हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है तो आज बनाएंगे जन्माष्टमी में कृष्ण जी को प्रिय धनिया की पंजीरी और धनिया की पंजीरी के लड्डू। तो इसको हम एक ही बैटर से बनाएंगे, जो भी मिश्रण है एक ही होगा, लेकिन तरीका अलग होगा, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं धनिया की पंजीरी। तो यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया है, जो खड़ा धनिया होता है, और इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। और साथ ही लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा या जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करें वो डाल सकते हैं। तो अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है देसी घी, और फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम टू लो है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम जो हमारा धनिया है इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, ताकि इसके अंदर जो नमी है वो भी निकल जाए और ये हल्का सा सुनहरे कलर का हो जाए, ताकि खाने में इसका टेस्ट और दुगना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। हमें इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा ये कलर चेंज हो जाए इसका और भीनी भीनी सी इसकी खुशबू आने लगे भूनने की, तब तक ही हम इसे भूनेंगे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 से 4 मिनट लगेगा और ये जो धनिया है हमारा अच्छे से भुन जाएगा। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स में जो आपका मन करे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, धनिया जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। इसे ज्यादा हम इसको नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कड़वेपन का टेस्ट आ जाएगा। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं एक बर्तन में और इसे ठंडा कर लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है और इसके अंदर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूंगी। तो सबसे पहले काजू बादाम को हम रोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर काजू और बादाम को हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, बहुत ही कम घी के साथ। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पंजीरी हमारी बनके तैयार होती है। धनिया पंजीरी कृष्ण जी को तो बहुत प्रिय है, तो इस जन्माष्टमी जरूर इस पंजीरी का भोग लगाइएगा। और इस तरीके से पंजीरी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी भी बनती है और सबको पसंद आती है। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है और इनको भी हम निकाल लेंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है काजू का। और बचे हुए घी में हम मखाने ऐड कर देंगे। मखानों में हम घी नहीं डालेंगे, बस इतना ही जितना कढ़ाई में हमारे घी बचा है उसी में इसको रोस्ट कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भी रोस्ट होने में। तो ये देखिए, मखाने भी हमारे हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए। अब बस इसको भी निकाल लेंगे और अब इसके बाद हम अपना जो नारियल कद्दूकस करके रखा था वो फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको भी हम बिना घी के ही रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसका हल्का सा सुनहरा कलर नहीं हो जाएगा और भीनी भीनी सी इसमें खुशबू ना आने लगे। इस तरीके से पंजीरी बनाने से क्या होता है ना कि जो हमारी पंजीरी है उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और टेस्ट तो निखर के आता ही है। और साथ ही मैंने यहाँ किशमिश भी डाल दी है थोड़ी सी। और बस ये देखिए, नारियल भी हमारा हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स और धनिया मैंने कर लिया था। धनिया हमारा ठंडा हो गया है, तो अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में कोर्सली पीस लेंगे। हमें इसका बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं करना है, हल्का दरदरा ही हमें इसको रखना है। तो यहाँ पर देखिए, धनिया जो है मैंने पीस लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने देखिए इस तरीके से रखा है, बिल्कुल इसका पाउडर फॉर्म नहीं बनाया है। और धनिया पहले भूनने से क्या होता है कि अब आपको इसको दोबारा से भूनना नहीं पड़ेगा। अब इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और उसी ग्राइंडर में थोड़े से काजू बादाम और थोड़े से मखाने में ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहें तो बिना ग्राइंड करे भी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा इसको ग्राइंड करके डालूंगी और बाकी सारे इसी तरीके से डाल दूंगी। तो इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी मखाने। ये जो सारा मिश्रण है ना, इसको आप निकाल के रख दें बूरा डालने से पहले, और बाद में बूरा डालें, क्योंकि इसके जो है हमें लड्डू भी बनाने हैं। तो थोड़ा सा मिश्रण मैंने बचा के रख लिया था। तो बूरा डालने के बाद बस अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और बाकी के जो भी ड्राई फ्रूट बचे हैं वो सारे ड्राई फ्रूट जो हैं हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी मैंने ड्राई फ्रूट बाकी रखे हुए थे वो भी सारे इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। और बस रेडी हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी धनिया की पंजीरी। तो इस जन्माष्टमी पे जरूर बना के देखिएगा, इस पंजीरी से ही लड्डू भी किस तरीके से बनेंगे मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है, बहुत ही आसान है इससे लड्डू बनाना। तो जब ये तैयार हो जाए तो उसके बाद लड्डू कैसे बनेंगे मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो एक कटोरी में आधा कटोरी मैंने पानी डाल दिया है और बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कंटिन्यूसली कुक करेंगे और इसकी एक एक तार की चाशनी बनानी है। और ये जो सारा मिश्रण था ये हमने तैयार किया हुआ था जो पंजीरी के लिए, वही मिश्रण है ये। और इसमें आप चाहें तो अलग से कुछ और ड्राई फ्रूट या फिर नट्स भी डाल सकते हैं उनको कद्दूकस करके या फिर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके। तो यहाँ पर देखिए एक तार की जो चाशनी है हमारी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। जब आप इस तरीके से देखिए करेंगे ना उंगलियों पे लेके तो एक तार सी बनती हुई दिखाई देगी ये देखिए। और बस रेडी हो गई है। अब जो हमारा मिश्रण था वो हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो ये सारे मैंने ऐड कर दिए और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बस एक से दो मिनट और हम इसे कुक करेंगे और ये बिल्कुल पैन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है और बस इसने सारी जो चाशनी है एब्जॉर्ब कर लिए। और ये देखिए ये पहले से गाढ़ा हो गया है और जमने की फॉर्म में आ गया है। और ये देखिए इसने पैन को भी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लड्डू बनने के लिए परफेक्ट है? तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको हम हल्का सा ठंडा करने के बाद उसकी गोली बना के देखेंगे। अगर तो वो परफेक्ट बन जाएगी तो इसका मतलब हमारा जो ये बैटर है परफेक्ट है लड्डू बनने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा पार्ट ले लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने स्पून की हेल्प से इसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया है और इसको मैं हाथों पे इस तरीके से रब कर रही हूँ। तो ये देखिए एक गोली टाइप में बन रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए तो बस ये हमारा बैटर परफेक्ट है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और एक इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और जब ये हल्का थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि आप इसके लड्डू बांध सकें तो उसी स्टेज पे फिर हम इसके लड्डू बांध लेंगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत गर्म है हम लड्डू नहीं बांध पाएंगे। तो जब ये हल्का गुनगुना हो तो तब हम इसके लड्डू बांध लेंगे। तो ये मैंने बैटर को डाल दिया एक बाउल में और इसे हल्का हल्का ठंडा कर रही हूँ स्पून की हेल्प से। तो ये देखिए बैटर जो है हमारा ठंडा हो चुका है अब, और अब मैं इसके लड्डू बांध लेती हूँ। साइज आप अपने अकॉर्डिंगली लड्डू का रख सकते हैं छोटा बड़ा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इजीली इसके लड्डू बन जाते हैं। तो ये देखिए मैंने लड्डू बांध लिया है। तो बस रेडी है हमारे धनिया की पंजीरी के लड्डू और धनिया पंजीरी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।